आपके बीच में जो विकास के संकल्प है, ऐसे पदाधिकारी को या ऐसा किसी एक संस्था के अध्यक्ष को, कार्यकर्ता को हम बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देंगे। और हम अपने लोगों से चाहेंगे कि जब हमारे गावड़ी जी आप लोग के बीच में जाएं, आप लोग इनका सम्मान करें, आप लोग इनसे मिल करके अपना दुख तकलीफ को बताने का कष्ट करें, ये आपके हर समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसा हमने अभी कहा कि हम हर बूथ पे आधार कार्ड और आपका वोटिंग कार्ड का जो है ये सब कराने के लिए, जिसका वोटिंग कार्ड में नाम नहीं है वो डालने के लिए हम अभी निकलने वाले हैं, तो उसमें हमारे बहुत मदद करेंगे कावड़े साहब, क्योंकि तो इनका खुद अभियान चल रहा है, जगह जगह राशन कार्ड ये वो जिसका नहीं है सब बन रहा है, कई जगह जो है वो हुआ है, हम जुड़े हैं इससे और देख रहे हैं, और हमारे बीच में बहुत खुशी की बात है। और इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए मैं सोचूंगा कि दो सब साहब भी बोले, उसके बाद फिर जो कुछ कम ज़्यादा है लोग अपना वो नया करेंगे, क्योंकि समय के पास कम रहता है, समय निकालता है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी है। और दो चार बात है सरकार विकास पार्टी के लिए बिहार के शब्द कहें, हमारे कार्यकर्ताओं को समर्थन करें, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली, गावड़े साहब जिंदाबाद। सबका विकास पार्टी के सभी पदाधिकारी का आभार व्यक्त करता हूँ, और अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि आज सभी आपके सामने आके जो आए कैसे उनका मेरा परिचय तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो तो मैंने इनके बारे में सुना है तो नाम ही काफ़ी है। चार दिन हो गया हम लोग काफ़ी मुलाकात से, वैसे ही नाम तो बहुत दिन से जाना चाहिए, एक दूसरे का नाम तो सुना ही नहीं है, राजकीय जब हम राजकीय क्षेत्र में रहते तो एक दूसरे का नाम मैंने सुना ही था। तो दोनों का उद्देश्य एक ही है कि हमारे स्वराज अभियान नाम की संस्था ऑर्गेनाइजेशन पार्टी है, सबका विकास पार्टी है, दोनों का उद्देश्य एक ही है कि आम जनता के जीवन स्तर हम कैसे बढ़ा सकें, उनकी तकलीफें कैसे हल कर सकें। तो मुझे लगता है हम दोनों अगर इकट्ठा होंगे तो हमारा जो दोनों संस्था का या पार्टी का जो ध्येय है वो हम जल्दी हासिल कर पाएंगे। ये जो ध्येय है ये हासिल करने के लिए आप और हम अगर इकट्ठा होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि दो दिन दूर रहेगा कि उसी गुजरात की जनता जो है ज़्यादा से ज़्यादा समस्या मुक्त हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% समस्या से मुक्ति मिलेगी, समस्या तो जल्दी रहती है, लेकिन जो आसानी से समस्या हल होनी चाहिए वो तो सब हल हो रहे हैं। बाकी मैं आपके सबका विकास पार्टी का जो ये जो सम्मेलन है उसको मैं देखता रहता हूँ, आपने मुझे सरकारी को यहाँ बुलाकर हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए आपका आभार।